अबाउट द थिंग्स विच वी कैन मेजर विथ आवर हैंड्स, ओके, विथ हैंड स्पैन, विथ आवर फिंगर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई भी चीज हमें अगर मेजर करनी है तो उसको हम अपने हैंड से या हैंड स्पैन या फिर हमारे जो फिंगर्स है उनका यूज करके हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दिस यू विल लुक ऑन पेज नंबर 104, ठीक है, 104 नंबर पेज पर सभी लोग देखेंगे। दिस इज अवर न्यू लेसन एंड नेम ऑफ अवर लेसन इज द लॉन्गेस्ट स्टेप। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो देयर इज वन शॉर्ट स्टोरी इज देयर, थ्री फ्रेंड्स आर देयर, रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ डीर। ओके, दे वेयर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क। ओके, थ्री फ्रेंड्स आर देयर, रैबिट, एलिफेंट एंड डीर। ओके, सो व्हाट हैपन द वन डे दे सेड लेट अस सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। ओके, डीर सेड लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। देन एलिफेंट सेड बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, आई नो दैट वन ऑफ यू विल क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू। ओके, डीर सेड कि ये जो ब्रिज स्टोन है, ओके, ये जो स्टोन ब्रिज है इसको हमें पार करना है कि सबसे पहले इसको कौन क्रॉस करता है, सबसे पहले इसको क्रॉस कौन करता है। तो एलिफेंट कहता है कि नहीं, तुम दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा तेज भागते हो, यू कैन रन फास्ट, ओके, सो डेफिनेटली वन ऑफ यू विल विन, सो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम। सो रैबिट सेड डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक। देन रैबिट सेड वी विल नॉट रन, वी विल वॉक ओनली। सो लेट्स सी, सो दे सेड इट विल बी फन। अभी क्या करना है, सबको सिर्फ चलना है। देर इज डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड रन, ठीक है। वॉक का मीनिंग होता है सिर्फ चलना, नॉर्मली हम जैसे चलते हैं दैट इज कॉल्ड वॉकिंग, लेकिन रनिंग जो होती है हम दौड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक रूल बनाते हैं कि लेट अस मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक ऑन। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं रेस एंड दे स्टार्टेड द गेम। सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन। गेम स्टार्ट करते हैं और इस गेम में कौन जीतता है, एलिफेंट। तो वो सब सारे सरप्राइज हो जाते हैं कि एलिफेंट कैसे जीत गया। सो कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वन। तो आप लोग बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता, कौन बताएगा एलिफेंट क्यों जीता। एलिफेंट, रैबिट, बीर, तीन लोग थे, तीनों में से एलिफेंट क्यों जीता, कौन बताता है सर। लक्ष्मी आंसर देना, बट आपको माइक ऑन किया आपने। ओके, एलिफेंट एलिफेंट जीत गया, क्यों जीत गया एलिफेंट। उसके पैर भी बड़े थे, उसके पैर दूर जाते थे, रैबिट और छोटे ओके, वेरी गुड। एलिफेंट के लेग्स उसके बड़े थे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जिसकी हाइट ज्यादा होती है, सर कौन सा पेज, पेज नंबर 105, जिसकी हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, जो लोग लॉन्ग होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, टॉल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो
उसी तरह से एलिफेंट के भी स्टेप्स जो थे वो बड़े थे, इसलिए एलिफेंट जीत गया। ओके नाउ टेल मी हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, रैबिट, एलिफेंट और डीर। बिगेस्ट स्टेप्स किसका था? एलिफेंट। एलिफेंट। ओके सभी लोग अपना माइक बंद रखिए, टाइप कंसर्न है। वरद बेटा माइक तो बंद कर दो अभी। ओके देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज देयर। आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। ठीक है, अभी ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं और ये कह रहा है कि वो कितनी दूर बैठे हैं वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय काउंटिंग स्टेप्स। तो वो क्या करेगा, यहाँ से काउंट करेगा, फिर बताएगी यस कि उसके फ्रेंड जो है वो जितने स्टेप्स उससे दूर है। ओके ही विल काउंट स्टेप्स देन ही विल टेल हर यू आर 9 स्टेप्स फार अवे फ्रॉम मी और 10 स्टेप, जितने भी स्टेप्स यहाँ से यहाँ तक जितने स्टेप्स उसके आएंगे वो उसको बताएगा। नाउ ये जो हमारा लेसन है पूरा टोटली आपके एक्टिविटी पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपको सारी एक्टिविटीज आपको करनी है, जैसे हमारा ये लेसन फिनिश हो जाएगा यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज आपको करके देखनी है। जस्ट लाइक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर होम। ओके यहाँ पर क्लास है, क्लास की जगह पर इसको कर लो होम, क्योंकि हम लोग क्लास में तो जा नहीं सकते अभी। अगर हम क्लास में होते स्कूल में तो हम ये सारी चीज़ें कर लेते। ठीक है, तो डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर होम ये आपको स्टेप्स से फाइंड आउट करना है। स्टेप्स आपको कितने स्टेप्स, आपका विंडो और डोर के बीच में कितना अंतर है वो आपको स्टेप्स से फाइंड आउट करना है। देन द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, ये भी अभी आपके घर में अगर ब्लैक बोर्ड हो, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड की जगह पर टीवी। सर मेरे भी घर में। ओके ओके वेरी गुड। तो आप लोग जिनके घर में ब्लैक बोर्ड है वो सर मेरा घर में भी है। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सर मेरे भी घर पे। अभी सभी लोग माइक बंद रखो नहीं तो मैं लॉक कर दूंगा यहाँ से। सर मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। हाँ तो टीवी देख लेना फिर। टीवी आप जहाँ पर अभी बैठे हो वहाँ से कितना दूर है वो आपको वहाँ पर स्टेप्स काउंट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बाद में करनी है, पहले आपको सिर्फ देख लेना है यहाँ पर कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट हैंड्स और फिंगर। रजत वॉन्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन। ठीक है, ये जो दिख रहा है एक उंगली उसकी यहाँ पर, थंब यहाँ पर है और लास्ट जो हमारी जो स्मॉल फिंगर होता है वो यहाँ। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, अगर मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो ओके देखो ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, जिसे कहते हैं हैंड स्पैन। मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं हैंड स्पैन। ओके डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फिंगर्स इसे कहते हैं हैंड स्पैन। जो लोग मार्बल्स खेलते हैं उनको पता होगा कि हैंड स्पैन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है,
सो कैन ही यूज हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस। जैसे देखो यहाँ पर वो बैट की लेंथ जो है वो मेजर करने के लिए हैंड स्पैन का यूज कर रहा है, तो कैन ही यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस। भी यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी जाएगी, पेंसिल, ये इरेजर, शार्पनर, ओके, देन कलर्स, देन बुक, ये सारी चीजें वो हैंड स्पैन से मेजर कर सकता है क्या? यस और नो? मेजर ऑल द थिंग्स विद द हैंड्स। सर ओके, वेट वेट वेट, अभी किसने यस बोला? राज लक्ष्मी, सर अभी सिर्फ राज लक्ष्मी अपना माइक ऑन करेगी, बाकी सभी लोग। सर ओके, ओनली राज लक्ष्मी विल टर्न ऑन हर माइक। बाकी सभी लोग अपना माइक बंद रखो, सिर्फ राज लक्ष्मी, सिर्फ राज लक्ष्मी माइक ऑन रखेगी। ओके, ठीक है, जब ऐसे बोला जाता है किसी पर्टिकुलर को, तब आप माइक ऑन नहीं करते हो। ओके, तो हम पूछते हैं आस्था से। आस्था बेटा अपना माइक ऑन करो। ओके, विच इज स्पेंट मेजर टेबल। ठीक है, तो हैंड स्पैन से वो टेबल को मेजर कर सकता है। टेबल को मेजर कर टेबल सकता और बेड है, बैट एंड हिज बुक ऑल्सो। हमारी जो बुक है ना, आप लोग भी आपकी बुक जो है वो हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेजर योर बुक विथ योर हैंड स्पैन। लेकिन अगर छोटा सा इरेजर है, ठीक है, इरेजर है, उसको आप हैंड स्पैन से पेंसिल नहीं कर सकते हो। अगर पेंसिल आपकी बड़ी है तो आप उसको हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास छोटी सी पेंसिल है तो आप उसको हैंड स्पैन से मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो व्हाट यू विल डू, व्हिच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, सो यू विल राइट देयर नेम हियर। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें आपके हैंड स्पैन से छोटी है, लेस मीन्स पेज नंबर क्या पेज नंबर 105। ओके, थिंग्स अराउंड यू लेस देन योर हैंड स्पैन विल नेम देम। ओके, आपको क्या करना है, उनके नाम लिखना है। ओके, यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, यू कैन कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स ऑल्सो, द थिंग्स विच आर लेस देन योर हैंड स्पैन। द थिंग्स विच आर लेस देन योर हैंड स्पैन, यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर भी आपके हैंड स्पैन से छोटा है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हैंड स्पैन से छोटी है? आपके आसपास देखना है आपको। लुक अराउंड यू, ओके, एंड स्पून, ओके, ग्लास,
वेट, ओके, वेरी गुड। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर एक स्टेपलर है, तो स्टेपलर हैंडस्पैन से छोटा है। चार्जर, वेरी गुड। ओके सर, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लेस देन योर हैंडस्पैन। ओके सो व्हाट विल यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। जैसे आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, आपको उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। चॉकलेट है, फिर कप है, ठीक है, तो उनकी जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे फिंगर्स। जस्ट इन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, सी दिस टू चिल्ड्रेन, व्हाट दे डिड, दे मेक अ मर्ड हाउस। ओके, दे मेक अ मर्ड हाउस, सी हुज मर्ड हाउस इज हायर। यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मर्ड हाउस इज। ओके, सो दे बोथ मेक मर्ड हाउस एंड दे यूज देयर फिंगर्स टू फाइंड द हाइट। ओके, सो कैन यू टेल मी हु मेड द हाइएस्ट मर्ड हाउस, बॉय और गर्ल? हु मेड द हाइएस्ट मर्ड हाउस? किसका हाउस बड़ा है, बॉय और गर्ल्स हाउस? यस, डेफिनेटली दिस वन, गर्ल्स मर्ड हाउस इज हाइएस्ट। एंड हुज मर्ड हाउस इज द स्मॉलेस्ट? हुज मर्ड हाउस इज द स्मॉलेस्ट? बॉय। गुड, सो बॉयज मर्ड हाउस इज द स्मॉलेस्ट। ओके, सो फॉर दिस दे यूज देयर फिंगर्स। सी इन द पिक्चर वी कैन सी दिस गर्ल इज यूजिंग हर फिंगर्स टू मेजर। ठीक है, फिंगर्स को रख कर भी हम मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, मेक अ गेस, सी दिस टू कोकोनट ट्रीज, इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर्स हाई, अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री? ओके, वी हैव टू ट्रीज हेयर, टू कोकोनट ट्रीज आर देयर। दिस बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, सो दिस विल बी, जस्ट गेस, ये कितना हाई हो सकता है? अगर ये 6 मीटर्स है तो ये कितना हो सकता है? या वेरी गुड, सो दिस स्मॉल वन, दिस स्मॉल वन विल बी 3 मीटर्स। द स्मॉल वन विल बी 3 मीटर्स। ओके, अगर हम इजिली वी कैन सी दिस इज द हाफ, जो बड़ा वाला जो है 6 मीटर्स का, उसका आधा ये हमें छोटा वाला दिख रहा है। दैट्स वाई दिस विल बी अराउंड 3 मीटर्स। ओके, सो लाइक दिस ऑन नेक्स्ट पेज यू विल गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो। फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर्स। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू विल टेक वन ग्लास। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखो। पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, फिर आपको गेस करना है कि वो ग्लास कितने फिंगर्स होगा। ठीक है, पहले उसको मेजर करने से पहले आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे समझ लो, अगर आपने ऐसा गेस किया कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास मेरे 8 फिंगर्स होगा, ठीक। अगर आपने ऐसा गेस किया कि ये जो आपके जो ग्लास है वो 8 फिंगर्स है, और फिर बाद में आपको क्या करना है, उस ग्लास को एक्चुअल में फिंगर्स से उसको मेजर करना है। ठीक है, मेजर करके फिर आपको फाइंड आउट करना है, जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। वॉट एवर द आंसर यू विल राइट हियर, एग्जैक्ट आपका आएगा जब आप उसको मेजर करेंगे। ओके, लेकिन उस
पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मेजर किससे करना है। जैसे ये ग्लास आपको फिंगर से मेजर करना है, देन बकेट यू विल मेजर विथ हैंड स्पैन्स, देन योर हैंड विथ मैच स्टिक्स, देन टेबल। ओके, टीचर्स टेबल तो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपके घर में जो भी टेबल होगा उसको आप मेजर करेंगे हैंड स्पैन से। पहले आपको गेस करना है, गेसिंग करना है, फिर वो गेस का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, फिर बाद में उसका एक्चुअल में आपको मेजर करना है, एंड देन दैट एक्चुअल नंबर यू विल राइट हियर। जस्ट लाइक दैट योर नोज, नोज आपको फिंगर से मेजर करना, पहले गेस करना उसको कितना आपका फिंगर हो सकता है, देन आफ्टर दैट यू विल राइट एक्चुअल। ओके, 1 मिनट, अभी सिर्फ ये काव्या का आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आवाज नहीं आ रही है। जिन जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है वो सभी लोग वाई टाइप करो। तो एक बार ओके, आवाज तो आ रही है, मतलब काव्या बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज कम ज्यादा हो रही होगी, लेकिन बाकी सबको आवाज आ रही है। चलो, थ्रो आफ्टर नोज योर वाटर बॉटल एंड योर हेयर्स, हेयर्स यू विल मेजर विथ हैंड स्पैन। अभी यहाँ पर गर्ल के हेयर है, ओके ठीक है। कुछ लोग सोचे हैं कि बॉयज लोग कैसे करेंगे, सो वॉट यू विल डू, यू विल मेजर योर मदर्स हेयर। ठीक है, जैसे बॉयज के हेयर्स तो छोटे छोटे हैं, तो हैंड स्पैन से तो आप उनको मेजर नहीं कर सकते, सो यू कैन मेजर योर मदर्स हेयर्स। ठीक है, आपके मम्मी के हेयर्स आप मेजर कर सकते हो हैंड स्पैन से। पहले आपको गेस करना है कि कितने हैंड स्पैन होगा, फिर बाद में आपको एक्चुअल में उनको मेजर करके फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस थिंग्स यू विल कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन, कैट्स फूड दैट और मिल्क। ओके, ये भी आपको खुद मेजर करना है इसके लिए भी। तो सबसे पहले यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। ओके, रैट रैट एंड द मिल्क, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? और तो पेज नंबर 18। सर पेज नंबर पेज नंबर 108 पेज नंबर पर आपको ये दिखेगा। ओके, सो रैट एंड मिल्क, इनके दोनों का डिस्टेंस है कितने फिंगर्स हैं? ओके, मिनिमम 2 फिंगर्स तो इसमें डिस्टेंस होगा ही, 2 फिंगर्स इसमें डिस्टेंस हम मानते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। अभी ये जो कैट और रैट, इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो आपको फिंगर्स से उसको मेजर करना। फिंगर्स से मेजर करना है, मतलब उसको आपके जो फिंगर्स है आपको ऐसे रखने हैं उनको। ठीक है, ये फिंगर्स आपके ऐसे रहेंगे, इस तरीके से फिंगर्स रखकर उसको मेजर करना है। दिस 4 फिंगर्स, देन आपका जो नेक्स्ट हैंड है उसके उसके 4 फिंगर्स। ओके, इस तरीके से आपको रखकर मेजर करना है। ठीक है, तब जाके आपको वो पता चलेगा डिस से। ओके, सो समर सेइंग 11, वेरी गुड।
सो वॉट एवर योर आंसर यू राइट हेयर। ठीक है, आपका जो भी आया होगा आंसर वो यहाँ पर आपको लिखना है। कुछ लोगों के 11 आएंगे, कुछ लोगों के 5 आएंगे, कुछ लोगों के 6। अभी जिसके फिंगर्स जिस साइज के उस हिसाब से उनका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मेरे सिर्फ 6 आ रहे हैं, लेकिन आपके जितने भी फिंगर्स आपके वहाँ पर आते हैं आपको वो आंसर वहाँ पर लिखना है। जैसे अगर ये मेरे पास जो बुक है, ठीक है, उसमें अगर मैं मेरे फिंगर्स रखता हूँ तो वो मेरे फिंगर्स सिर्फ 4 आ रहे हैं, लेकिन आपके ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आपके फिंगर्स जो है वो छोटे छोटे हैं। ओके, सो वॉट एवर आंसर यू विल राइट हियर। देन नेक्स्ट वन, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क? नाउ नेक्स्ट, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क? सो कैट एंड मिल्क, इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है फिंगर्स में। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव डन इट। ओके, सो आप सबने निकाल लिया होगा। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा था 4 और यहाँ पर आ रहे थे 3, आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे फिंगर्स थोड़े से बड़े हैं इसलिए मेरा कम आ रहा था। सो वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क? तो वो किसके पास पहले पहुंचेगी, रैट के पास या फिर मिल्क के पास? वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, रैट और द मिल्क? ऑब्वियसली मिल्क, क्योंकि मिल्क का डिस्टेंस जो है वो कम है रैट से। ओके, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, कैट और मिल्क, इन दोनों के बीच मिल्क जो है वो थोड़ा सा पास है उसके पास, तो वो सबसे पहले जाएगी मिल्क के पास। सो कैन द रैट सेव इट सेल्फ? तो रैट अपने आप को बचा पाएगा? ये सब कैन द रैट सेव इट सेल्फ, यस और नो? ओके, एवरी वन इज सोइंग नो, बट आर्या इज सेइंग यस। यस नो, यस नो, देयर इज कन्फ्यूजन बिटवीन यस नो। सम आर सेइंग यस, सम आर सेइंग नो, बट द करेक्ट वन इज यस। बचा सकता बचा सकता है, क्यों? जब वो कैट यहाँ पर आए, भाग के। यहाँ यस सर, के पास आकर जब तक वो दूध पिएगी तब तक ये रैट क्या कर सकता है कि यहाँ क्या है। नाउ हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल? जो रैट की जो ये टेल है वो कितनी लॉन्ग है फिंगर्स में आपको मेजर करना है। ओके, सो व्हाट एवर योर आंसर यू विल राइट हियर। ओके, देन नेक्स्ट वन, हु हैज लॉन्गर विस्कर? हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट? ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बाल, दीज आर कॉल्ड विस्कर्स। ओके, तो किसके बड़े हैं? हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट?
कैट, वेरी गुड। कैट सो कैट 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 हैज लॉन्ग कैट टेल्स। ओके, कैट नाउ नेक्स्ट, नाउ पेज देयर, व्हाट यू विल डू, यू विल मीन। ओके, अभी सभी लोग ध्यान दो, फटाफट आपको ये कंप्लीट करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। ड्रॉ अ लीफ टू फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। ठीक है, ये जो स्टोन है इससे दो फिंगर्स आपको मेजर करके लीफ आपको ड्रॉ करनी। देन ड्रॉ अ बनाना 5 मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अभी ये जो मंकी है इससे 5 मैचस्टिक अवे आपको बनानास ड्रॉ करने, तो आपको ये मेजर करके ये बनानास ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इससे 2 फिंगर अवे आपको लीव्स ड्रॉ करने हैं। देन ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। अभी देखो लीफ हमें इस साइड में ड्रॉ करना है क्योंकि ये जो एंट है वो लीफ पर जाएगी, तो लीफ हियर यू विल ड्रॉ एंड 7 फिंगर्स, 7 फिंगर्स अवे यू विल ड्रॉ काइट। सो काइट यू विल ड्रॉ ड्रॉ अ 3 मैचस्टिक अवे फ्रॉम द काइट। अभी एक हमें ड्रॉ करना है। ओके, देन ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। ठीक है, तो ये मेजर करके आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है। एंड ड्रॉ योर सेल्फ एनी वेयर ऑन द पेज, और फिर आपको कहीं पर भी एक जगह पर आपको खुद को ड्रॉ करना है। एंड फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। जैसे अगर आपने आपको खुद को यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, अगर आपने खुद को यहाँ पर ड्रॉ किया तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप मंकी का जो नोज है ये वाला, यहाँ से आप कितने दूरी पर हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये ड्राइंग का काम आप आराम से कर लेना, अच्छी तरीके से ड्राइंग आप कर लेना। उसके बाद में हमारे जो लास्ट पेज है, इज दैट सो, संजू एंड हर फ्रेंड्स वेयर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हियर इज वॉट दे फाउंड। नाउ माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। पहले वो अपना फेस जो हैंड स्पैन से उसको मेजर करते। देन माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। देन वो कहते कि मेरा जो आर्म है, मेरा जो एक हाथ है वो मेरे लेग से छोटा है। माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। ओके, सो डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड। चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव। अभी आपके फ्रेंड्स तो ठीक है, आपके पास फ्रेंड्स तो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ठीक है, उनके आपको मेजर करना है अ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। ठीक है, जिनका जिनका फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है आपके फैमिली में। देन द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, और जिनका हाथ लेग, आर्म और लेग दोनों एक जैसे है, मतलब उनकी लेंथ एक जैसी है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और फोर हेड 4 विंग फिंगर्स वाइड, और जिनका फोर हेड 4 फिंगर्स वाइड है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। एंड यू कैन ट्राई अदर बॉडी पार्ट विथ योर फिंगर्स एंड राइट दैट लेंथ।
जैसे योर नोज इज डैश डैश फिंगर्स लॉन्ग, योर ईयर इज डैश फिंगर्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो हमारा है, सर, बज रहे।